बादशाह सलामत को सुकन्या का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सुकन्या प्रणाम। सलीम की जान बचाकर आपने मुगलिया सल्तनत पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हम हमेशा हमेशा के लिए आपके कर्जदार रहेंगे। शाही खून है हम। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आपसे शादी करना चाहेंगे सुकन्या। सच? वाह वाह सलीम वाह, जिंदगी में पहली बार आपने सही फैसला लिया। हम अभी आपको इतना ही बता सकते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है मुगले सल्तनत के खिलाफ। ये कौन रच रहा है बस वही बताना है हमें जहां पनाह को। हमें यकीन है कि इस महल में कुछ न कुछ गलत होने वाला है। वैद्य जी क्या हुआ जहां पनाह? जहां पनाह इस दुनिया में नहीं रहे। बादब बामुलाहिदा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, जनाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। क्या हम जान सकते हैं कि आप इतने रुआसे और दुखी क्यों हैं? बीवी से पिटकर आ रहे हैं क्या? बीवियों से पिटने की तो आदत हो गई है जहां पना। बीवियों से? तो क्या हुआ, क्यों हैं आप इतने दुखी? मेरा कलीम मर गया जहां पना। यहाँ आइए। रोते नहीं है। रोते नहीं है। अब होनी को कौन टाल सका है? मुझे पता है बुबू, पिताजी टाल सकते हैं। हाँ, कल महल के बाहर एक भिखारी खड़ा आपसे मिलने के लिए जिद कर रहा था बुबू। पिताजी ने उसे भी बहाना बनाकर टाल दिया। बताओ। चुप कर बेवकूफ। बस बस चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आपके भाई कलीम की मौत का हमें बड़ा अफसोस है। कलीम हमारा भाई नहीं, हमारा गधा था जहां पना। खड़े रहिए अपनी जगह पर। आपके गधे की मौत का मातम मनाने हम यहां पर नहीं आए हैं। अपने आवाम की समस्याएं सुनने आए हैं यहां पर। गधे कहीं के कठोर। और गधे से याद आया, हमारे पास अपना खुद का एक गधा है, शहजादे सलीम। वो तो शिकार पे गए हुए थे, आए नहीं अब तक। कहां रह गए? ओ बहरूर, ओ बहरूर, ओ बहरूर, ओ बहरूर। दादा सलीम, आपकी ये हालत किसने कर दी? शाही खून है हम, इसलिए ऐसी हालत हो गई। मुझे पता है बीरबल जी, सलीम भाई साहब जरूर किसी से पिट कर आए होंगे। अरे चपासू। अरे बीरबल जी, आज सुबह हम शिकार खेलने जंगल में गए थे। शिकार खेलते हुए हम अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गए और जंगल में रास्ता भटक गए। तभी वहां पर कुछ गंदे लोगों ने हम पे जानलेवा हमला किया। हमारी तो जान ही जाने वाली थी, अगर सुकन्या आकर हमें ना बचाती तो। कौन सुकन्या? अब हुजूर, आप सुकन्या को नहीं जानते? नहीं। हम भी नहीं जानते थे। हम अभी सुकन्या, अब बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए। अब्बा हुजूर, इसका नाम सुकन्या है, ये बहुत बहादुर है। और अब्बा हुजूर, ये तलवारबाजी भी आपसे अच्छी करती है। बादशाह सलामत को सुकन्या का प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम सुकन्या प्रणाम। सलीम की जान बचाकर आपने मुगलिया सल्तनत पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हम हमेशा हमेशा के लिए आपके कर्जदार रहेंगे। सुकन्या जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, इतनी अच्छी तलवारबाजी आपने सीखी कहाँ से? जी, मेरे पिताजी जहांपनाह की फौज में सैनिक थे, तलवारबाजी मैंने उन्हीं से सीखी है। पर अफसोस, कुछ महीने पहले नदी में डूबकर मेरे पिताजी और मेरी माँ की मौत हो गई। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जहांपनाह, इन्होंने शहजादे सलीम की जान बचाई है तो इन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अरे, इतनी बहादुर लड़की को हम कौन सा बड़ा इनाम दे सकते? मुझे पता है बुबू, सुकन्या को इनाम में हिमालय पर्वत दे दिया जाए। हिमालय पर्वत? हाँ बुबू, अभी तो पिताजी ने कहा ना कि सुकन्या को बड़ा इनाम देना चाहिए। हिमालय पर्वत से बड़ा इनाम क्या हो सकता है? दीमा वासु, अगर जहां पना सुकन्या जी को इनाम में हिमालय पर्वत दे दे तो इतना बड़ा हिमालय पर्वत ये रखेंगे कहां? सलीम ऐसा आप जवाब दो ना। शाही खून है हम इनके लिए बहुत बड़ा महल बनवा देंगे जिसमें ये और इनका हिमालय पर्वत आराम से रह सके। वाह! खामोश खरगोश, आपके कलीम के पास भेज देंगे आपको, फिर साथ में कीजिएगा ढेचू ढेचू ढेचू। जहांपनाह, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। हमारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। हम तो वहां उस जंगल में अपनी जान देने जा रहे थे, तो जब हम जीना ही नहीं चाहते तो हम इनाम लेकर क्या करेंगे? आप अपने आप को अकेला क्यों समझती हैं? आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। जी हाँ, हम सब आपके साथ हैं। आज के बाद आप इस महल में रहेंगी हम सब के साथ। लेकिन मैं कैसे? सुकन्या जी, आपने हमारे शहजादे सलीम की जान बचाई, वो भी खुद की जान पर खेलकर। आज के बाद आप इसी महल में रहेंगे हम सबके साथ, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सुकन्या जी, रुक जाइए ना। हाँ सुकन्या जी, रुक जाइए ना, रुक जाइए ना, रहिए ना महल में। चलिए ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो। ये हुई ना बात। सलीम, आप सुकन्या को महल के अंदर लेकर जाइए और इनके लिए उम्दा से उम्दा चुनिंदा कपड़े और गहनों का इंतजाम कीजिए। अब्बा हुजूर, इन्हें अम्मी जान के कपड़े दे दें। ओहो सलीम, आपने गौर नहीं फरमाया, आप शिकार पर गए थे तो जिन तंबुओं के अंदर आप रह रहे थे वो रानी साहिबा के कपड़ों से ही तो बने थे। हमारी बीवी का मजाक मत उड़ाइए, आप पसंद नहीं है हमें। आने दीजिए अम्मी जान को, बताऊंगा मैं। आइए आइए आइए। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। शाही खून है हम, मतलब अगर आप नहीं होती तो हमारा सारा शाही खून जंगलों में बह गया होता। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया सुकन्या। नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है शहजादे सलीम, ये तो हमारी खुश नसीबी थी कि हम आपके लिए कुछ कर पाए। काश हम भी आपके किसी काम आ पाते। सलीम भाई साहब, जाइए ना, इनके लिए खाना बनाइए, इन्हें खिलाइए, इनके कपड़े धोइए, और हाँ साथ में मेरे कपड़े भी धो दीजिएगा, कल धोबी आया नहीं मेरे कपड़े लेने के लिए। वासु, शाही खून है हम, कहीं तेरी बकवास सुनकर हम तुझे धोबी की तरह पटक पटक कर ना मारे। वैसे हम सुकन्या के लिए कुछ करना चाहते हैं। नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है शहजादे सलीम, क्योंकि क्योंकि हम जीना ही नहीं चाहते। हम आज यहाँ से चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर अपनी जान दे देंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं शहजादे। मुझे पता है,
आपकी इस मुश्किल को सलीम भाई साहब आसान कर सकते हैं। सलीम भाई साहब, अपना लो सुकन्या को, शादी कर लो इनसे। सलीम भाई साहब, सोचो सलीम भाई साहब, जब आप इनसे शादी कर लोगे तभी अकेली नहीं रहेंगी, अकेली नहीं रहेंगी तो ये जान भी नहीं देंगी ना। हमें अभी और इसी वक्त सुकन्या से मोहब्बत हो गई है, अब हमारी जान इनकी हो गई है। आउ, आउ, आ। शाही खून है हम, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आपसे शादी करना चाहेंगे सुकन्या। सच? अगर आप कहें तो हम आपको लिख के दे सकते हैं। हाँ, मैं अभी कागज और कलम लेकर आता हूँ। नहीं नहीं वासु, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें शहजादे सलीम की जबान पर पूरा भरोसा है। सच तो ये है कि जब हमने आपको पहली बार देखा था ना, तब पहली ही नजर में हमें आपसे मोहब्बत हो गई थी। सच? सलीम भाई साहब और सुकन्या की शादी, मतलब उर्वशी मेरी। दिमाग 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 दिमाग। अरे उर्वशी जी, अच्छा हुआ मुझे आप यही मिल गए। क्यों क्यों अच्छा हुआ? अरे बीरबल जी, मुझे आप दोनों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। पता है, सलीम भाई साहब और सुकन्या ने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? क्या? कैसे? कब? क्यों? अरे जवाब दो, बोलो। इतने सारे सवालों का जवाब तो मैंने कभी एक साथ अपने विद्यालय में भी नहीं दिया उर्वशी जी। अरे लेकिन कुछ अजीब नहीं है? पहले उस सुकन्या ने शहजादे सलीम की जान बचाई, फिर वो हमारे राजमहल में आई और अब शादी। अरे कल ही तो वो लोग मिले और आज शादी कैसे? जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। शहजादे सलीम की शादी होगी तभी तो हमारी शादी होगी। डरने की बात नहीं है बीरबल जी, उर्वशी सही तो कह रही है। हा? पहले सलीम भाई साहब की शादी होगी तभी तो मेरी और उर्वशी की शादी होगी। फिर हमारे छोटे 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 बच्चे होंगे। बच्चे हैं क्या? चूजे? ठीक है, बड़े 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 बच्चे होंगे। बच्चे होंगे तो बड़े कैसे होंगे? खैर, आपकी शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले शहजादे सलीम की तो शादी हो जाने दीजिए। तब तक हम आपके इलाज के बारे में भी सोच लेंगे। लेकिन उर्वशी जी, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। आज नहीं है वासु, लेकिन आगे चल के तो हो सकती है। हकीम जी से इलाज तो कराना होगा ना? होगा होगा। वाह वाह सलीम वाह, जिंदगी में पहली बार आपने सही फैसला लिया। अब्बा हुजूर, फैसले तो हम हमेशा सही लेते हैं, न जाने क्यों उसके नतीजे हमेशा गलत निकलते हैं। होता है, इंसान से गलती हो जाती है। अब रानी साहिबा ने भी आपको पैदा करके गलती की ना? क्या? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि इस लड़की ने आपकी जान बचाई तो इनके लिए इतना करना तो बनता है। हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते। बस अब रानी साहिबा को भूटान से अपनी खरीदारी करके आने दीजिए, तुरंत आपका निकाह करवा देंगे। खुश? देखा, हमने आपसे कहा था ना कि अब्बा हुजूर बहुत खुश होंगे। शुक्रिया अब्बा हुजूर। शुक्रिया हमारा नहीं, सुकन्या का कीजिए। ये आपके साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो गई है, कमाल है। नहीं नहीं चाहपना, हम तो बहुत खुश हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। चाहपना की जय हो।
जहां पना कृषि मंत्री फसलचंद आपसे मिलने के लिए आए हैं, चलिए। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, यहाँ देखिए जी, सलीम और सुकन्या एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और इनकी शादी के लिए हमने मंजूरी दे दी है। अरे वाह, मुबारक हो शहजादे सलीम। शुक्रिया। और आपको भी शुक्रिया। ज्यादा मुबारकबाद देने की जरूरत नहीं है, शादी में हम आपको बुलाने तक नहीं वाले हैं। कठोर। जहांपना की जय हो, जहांपना की जय हो। जहांपना, विशेष गुप्तचर कासिम खान आपसे मिलना चाहते हैं। ओहो, मतलब आप एक काम कीजिए, आप कासिम खान को मेहमान खाने में बैठाइए, उनसे कहिए हम आकर मिलते हैं, हमें पहले कृषि मंत्री फसल चंद से मिलने जाना है। जी जहांपना। सलीम, बहुत खुश है हम आपसे, बहुत खुश, आते हैं हम। देखा, सुना अभी अब्बा हुजूर ने क्या कहा कि अम्मी जान के वापस आते ही वो हम दोनों का निकाह करा देंगे। कासिम खान, जहांपना को क्या गुप्त सूचना देना चाहते हैं वो आप हमें बता दीजिए, हम जहांपना को बता देंगे। गुस्ताखी माफ कीजिएगा वजीर आजम, लेकिन आपको तो पता ही है कि हमें जहांपना ने खास हुक्म दिया है, हमें ये सूचना उन्हें ही देनी है। हाँ हमें पता है, लेकिन कुछ तो बताओ। हम अभी आपको इतना ही बता सकते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है मुगले सल्तनत के खिलाफ। ये कौन रच रहा है, बस वही बताना है हमें जहांपना को। ये बात बताकर आपने हमारी बेचैनी बढ़ा दी है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता पाएंगे, माफ कीजिएगा। ठीक है, आप यहां इंतजार कीजिए, जहांपना को जैसे फुर्सत मिलेगी वो आपसे मिलने आएंगे। मेरा राज खोलने चला था तू? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। भूल गया कि तेरा सामना मौत से होने वाला है। सलामत अकबर, 15 साल पहले आपने एक युद्ध में मेरे भाई राजा संग्राम सिंह की जान ली थी, और अब आपकी रियासत में, आपके इस महल में आप ही की जान लेकर मैं अपने भाई की मौत का बदला पूरा करूंगी। इसीलिए तो मेरे पिताजी ने मुझे विषकन्या बनाया है। अब आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता बादशाह अकबर।
बलदेव देख लेने क्या हुआ है। कासिम खान मर चुका है। जापना ये देखिए, सांप के काटने का निशान, इसकी मौत सांप के काटने से हुई है। सांप को भी इसी वक्त आना था। हमसे कुछ कहना चाहते थे सांप। आपसे कुछ कहना चाहते थे सांप? हमसे कुछ क्यों कहना चाहेगा बीरबल? और सांप अगर हमसे कुछ कहना भी चाहेगा तो क्या कहेगा? इसमें क्या समझ में आएगा हमें? कासिम खान हमसे कुछ कहना चाहते थे। बलदेव जी, कासिम खान आपसे तो मिले थे, आपसे कुछ कहा इन्होंने? कासिम खान कहना चाह रहे थे कि मुगलिया सल्तनत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। कौन कर रहा है यही बात वो जापाना को बताने वाले थे। जरूर कोई दुश्मन देश हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। बलदेव जापाना, हमारे महल, हमारे सरहद, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दीजिए। कासिम खान हमारे वफादार थे, पूरे सम्मान के साथ इन्हें दफनाया जाए और इनके परिवार को जो कुछ भी चाहिए उन्हें मुहैया की जाए। जी जापाना। जापाना, हमें नहीं लगता कि कासिम खान की मौत सांप के काटने से हुई। इसमें जरूर कोई ना कोई राज है। बीरबल जी, साफ साफ दिख रहा है कि कासिम खान की मौत सांप काटने से, और आप जबरदस्ती राज बताकर जापाना की नजरों में होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं। बलदेव जी, हम तो सिर्फ अपनी राय दे रहे थे। देखिए बीरबल, अगर आपको कोई शक है, किसी चीज पर शक है, किसी इंसान पर शक है, तो आप अपनी तहकीकात जारी रखिए। तब तक वजीर आजम आप हमारे साथ आइए। सोच रहे हैं मित्र बीरबल, जरा हमें भी तो बताइए। हो सके तो आपकी उलझी हुई पहेली हमारी मदद से सुलझाइए। छोड़िए। नहीं छोड़ सकते उर्वशी, बीरबल हमारे मित्र और आपका प्यार है, उनका साथ देना हमारा फर्ज और आपका अधिकार है। वही तो हम कह रहे हैं तानसेन जी, छोड़िए ये चुप्पी, छोड़िए और बताइए बात क्या है। उर्वशी, हम सोच रहे थे कि कासिम खान के मौत के पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश, यकीन है कि इस महल में कुछ न कुछ गलत होने वाला है। अरे लेकिन महल में तो सारे अपने हैं, वहाँ क्या हो सकता है? सब अपने नहीं है उर्वशी, सुकन्या अभी इस महल में आई। अरे उसी की वजह से तो हमारे मिलन का रास्ता साफ हो रहा है, आप उसी पर शक कर रहे हैं। हाँ मित्र बीरबल, और वो तो अब बनने जा रही है जहाँपनाह की बहू। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो बहेगा आपका लहू। हम जानते हैं मित्र तानसेन, लेकिन सच का पता तो हम लगा कर रहे। सच क्या कोई थैली में पड़ा है जो हाथ डाला और निकाल लिया? छोड़िए, आप ये बताइए कि हमारी शादी कब होगी और कैसे होगी? क्या कहा आपने अभी भी? शादी? उससे पहले तो हमने कुछ नहीं कहा। नहीं, इससे पहले। वो सच थैली में पड़ा है जो हाथ डाला और थैली। हमें यकीन है कि हम कासिम खान की थैली में ढूंढे तो हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अरे रुकिए, कर क्या रहे थे आप? मुझे पता है, सलीम भाई साहब बंदर की तरह उछल रहे हैं। लेकिन सलीम भाई साहब, आप जिनके इर्द गिर्द उछल रहे हैं वो कोई बंदरिया थोड़ी ना है। अरे वो तो हमारी होने वाली भाभी सा है, सुंदर सुकन्या जी। वासु, शाही खून है हम। हम जब खुश होते हैं तो ऐसे ही नाचते हैं। नाचते? आप नाच रहे थे? हाँ, देखा वासु, देखा हमारे फौलादी नृत्य का कमाल। हम नाच रहे थे और सुकन्या को पता भी नहीं चला। सलीम भाई साहब, पता तो मुझे भी नहीं चला था। अरे शाही खून है हम जब कुछ भी काम करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। अरे कभी कभी तो हमें खुद को नहीं पता चलता। हाँ वो तो दिख ही रहा था। अरे भाभी साहब, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। आपका और सलीम भाई साहब का मिलना, आपका महल में रुकना
और आपका और सलीम भाई साहब का शादी का फैसला लेना, ये सब बातें बीरबल जी को कुछ अजीब लग रही है। कमाल करते हैं बीरबल जी, है ना? अच्छा ऐसा कहा उन्होंने? हाँ। अच्छा सुनो ना, मैंने सुना कि महल में किसी गुप्तचर की मौत हुई है, कुछ पता चला क्यों और कैसे हुई? वैसे बीरबल जी उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जहां तक हम बीरबल जी को जानते हैं तो वो सच का पता लगा कर ही रहते हैं। इससे पहले कि बीरबल हम तक पहुंचे, हमें उस बीरबल का कुछ इलाज करना होगा। गुप्तचर कासिम खान के थैले में क्या ढूंढ रहे हैं? बलदेव जी, हम कोई ऐसा सुराग ढूंढ रहे हैं जिससे हमें यह पता चले कि कासिम खान हमसे क्या कहना चाहता था और उसकी मौत कैसे हुई। कासिम खान की मौत सांप काटने से हुई, और आप बिना वजह कोई कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मिला क्या? बलदेव जी, इस शीशी में क्या? क्या आपने वासु और सलीम को देखा है? क्या बात है बेटा? दरअसल मैंने मिठाई बनाई है, तो मैं उन्हें खिलाकर ये पूछना चाहती थी कि मिठाई कैसी बनी है। बीरबल जी, आप ही चक्कर बताइए ना कैसी बनी है। क्यों नहीं, अरे खाइए खाइए। नहीं बोले, मेरा मतलब है बड़ी वाली लीजिए ना। क्यों नहीं। कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है, लाजवाब। शुक्रिया। बहना, तुम्हारी जैसी बहू पाकर बहुत खुश होंगी। जी, मैं भी अपनी सासू माँ से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रही हूँ। वैसे मामा जी, ये सामान क्यों इस तरह फैला हुआ है? अरे बीरबल जी को लगता है कासिम खान की मौत के पीछे कोई राज, इसलिए उसके थैले की तलाशी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो मिला नहीं। छोड़िए। छोड़िए। लीजिए, छोड़ दिया, कर लीजिए आप इनका इलाज। अरे वाह उर्वशी, हमें नहीं पता था कि आपको इलाज करना भी आता है। जल्दी से ठीक कर दीजिए हमारे मित्र को, वक्त बीता जाता है। वही तो हम कह रहे हैं, वक्त बीता जा रहा है। आप बताइए ना, इन्हें क्या हुआ है, अचानक इनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? अरे इनका जिगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, अतड़ियों में सूजन आ गई है और खून का दौरा भी कम होता जा रहा है। इनके पेट में कोई जहरीली चीज गई है, वो इनके पेट में नहीं जानी चाहिए थी। वैद्य जी, हमें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, हमें एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। बीरबल जी, आपको ठीक होने में काफी दिन लगेंगे, और आपको इस बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिलना है, वरना आपकी जान को खतरा है। अरे वैद्य जी, अब घबराइए मत, हम बीरबल जी को इस बिस्तर से उठने ही नहीं देंगे। ये लीजिए दवा, दिन में 3 बार लेनी है, ऊपर वाला चाहेगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा हम चलते हैं। वे जी जरा इस शीशी में जरा देख के बताइए कि क्या है और किस काम आती है। जी जरूर, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हम जांच के बताएंगे। वे जी जल्दी जांचिए और जल्द से जल्द हमें बताइए। छोड़िए। क्या छोड़िए? बेर छोड़िए छोड़िए, छोड़ देंगे, जांच कैसे करेंगे? छोड़िए छोड़िए, लगा रखा है। मित्र बीरबल, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे,
जब तक आप ठीक ना हो जाए आपके लिए नए नए राग गाएंगे और हम भी आपकी देखभाल करेंगे और आपके लिए नृत्य करेंगे। उर्वशी तानसेन, हमें इतनी जल्दी मरना नहीं है। जो कुछ भी इस महल में हो रहा है हमें लगता है कि वो किसी की सोची समझी साजिश। लगता है आ रहा है। आने दे वासु, शाही खून है हम, आज वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। वासु, अल्लाह देखा वासु, इसका शिकार हमने किया है। मुझे पता है सलीम भाई साहब, लेकिन आपको नहीं पता इसका शिकार मैंने किया है। हमने किया है, मैंने किया है, हमने किया है। अरे सुनो सुनो, क्या कर रहे हैं आप दोनों? मुझे पता है पिताजी, हम दोनों ने अभी एक शेर का शिकार किया है। शेर का शिकार? लेकिन शेर तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मामूजान, शाही खून है हम उस शेर का भी शिकार कर लेते हैं जो सामने नहीं होता। हाँ, और उस शेर का भी शिकार कर लेते हैं जो किसी को भी नहीं दिखाई देता। दिमाग शुक्र मनाइए, जहां पना आज यहाँ पर नहीं है, नहीं तो आज आप दोनों का शिकार कर लेते। अरे उर्वशी जी, आप यहाँ क्यों आई? मुझे बता देती ना, मैं ही आ जाता आपसे मिलने। छोड़िए। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, छोड़िए इन जालिमों को। चलिए चलते हैं, वैसे भी मुझे अकेले में आपसे जरूरी बात भी करनी है। ए, रुको, तुम उर्वशी से अकेले में क्या बात करना चाहते हो? हाँ हाँ, बता बता, मामू जान को बता कि तू अकेले में उर्वशी से क्या जरूरी बात करेगा। बताइए 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 ना, क्या जरूरी बात करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ, वो उर्वशी जी, मेरा ना लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको अकेले में ले जाकर आपसे लड्डू लेकर खा लूंगा। अच्छा, तो उसमें अकेले में जाने की क्या जरूरत है? हम मंदिर गए थे, हमने वहां महल के सारे लोगों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए मन्नत मांगी। ये उसी का प्रसाद है, ले लीजिए। हाँ। आप सब भी लीजिए। उर्वशी जी, आप ये बचे हुए लड्डू हमें दे दीजिए, हम अब्बा हुजूर को खिला देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने जहां पना और बाकी सारे लोगों को लड्डू दे दिए और उन्होंने खा भी लिए हैं। उर्वशी जी, बीरबल जी की तबीयत कैसी है? बच तो जाएंगे ना? छोड़िए। हाँ हाँ, बचने की उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। हमारा मतलब है, ये अपशगुन बातें करना छोड़िए, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो तो हमारी जान है। आपकी जान? आपकी जान? आपकी जान, शहजादे सलीम की जान, इनकी जान, जहां पना की जान, रानी साहिबा की जान, हमारी जान। ओ, फिर ठीक है। आज आपकी जान लेकर हम अपने भाई राजा संग्राम सिंह की मौत का बदला पूरा करेंगे। Yeah.
मच्छर, एक दिन सारे मच्छरों का सर कलम करवा देंगे। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे झापना, क्योंकि हमारा जहर आपके अंदर फैल चुका होगा। आप नींद में ही मर जाएंगे। आह, आह, पता नहीं ये उर्वशी और तानसेन कहाँ चले गए। उर्वशी, तानसेन, कोई है? राजा बीरबल, राजा बीरबल, जल्दी चलिए, जहां पनाह को कुछ हो गया है। चलिए। जी, क्या हुआ जहांपनाह? जहांपनाह इस दुनिया में नहीं रहे। जहांपनाह भगवान को प्यारे हो गए राजा बीरबल। ठीक वैसे ही जहर से उनकी मृत्यु हुई है, जिस जहर से गुप्तचर कासिम खान की मृत्यु हुई थी। नहीं, अब्बा हुजूर, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, जी जान, अब हम बहनों को क्या मुंह दिखाएंगे? हौसला रखिए बलदेव जी, अब होनी को कौन टाल सकता है। जहांपनाह का सफर यहीं तक था, खत्म हो गया। गलत कह रही हैं आप सुकन्या जी। जब तक बीरबल जिंदा है, हमारे जहांपनाह का सफर कभी खत्म नहीं हो सकता। वैद्य जी, क्या अपनी नींद में आप लोगों को तमाशा दिखा रहे थे कि आप सारे के सारे यहाँ आकर खड़े हो गए? छोड़िए। क्या छोड़े उर्वशी? जहांपनाह बहकी बहकी बातें करना छोड़िए, आप मर चुके थे, अभी अभी वापस जिंदा हुए। क्या हम? बीरबल, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहांपनाह, ये तो आपको आपकी होने वाली बहू सुकन्या बताएगी। सुकन्या जी, बताइए। हम अभी आते हैं। आप कहाँ जा रही हैं सुकन्या? सुकन्या उर्फ विषकन्या। विषकन्या? विषकन्या, ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? जहांपनाह, ये सुकन्या जो है, ये संग्राम सिंह की बहन। वही संग्राम सिंह जहांपनाह जिसे आपने युद्ध में हराया था। उसके पिताजी ने से यहां भेजा है
आपसे बदला लेने के लिए। शहजादे सलीम से मिलना, उनसे प्यार करना, शादी के लिए हाँ कहना, ये सब एक नाटक था। जा पना, गुप्तचर कासिम खान की हत्या भी इन्होंने ही की। ये सुकन्या दरअसल एक विषकन्या है। पर लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विषकन्या सिर्फ किताबों में कहानियों में होती हैं? असल जिंदगी में कोई विषकन्या नहीं होती। होती है जापना, विषकन्या होती है। कई राजा महाराजा अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए इस तरह की विषकन्या बनाते हैं। इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बचपन से जहर दिया जाता है और जब तक ये बड़ी हो जाती हैं, इतनी जहरीली हो जाती हैं कि किसी को भी काट ले तो उसका बचना नामुमकिन। अगर ये सच है बीरबल, तो हम इनके जहर के असर से कैसे बच गए? वो इसलिए जा पना क्योंकि गुप्तचर कासिम खान इनके जहर की दवाई साथ लाया था। वो दवाई अगर किसी को दे दी जाए तो इनके जहर का असर उस इंसान पर नहीं होता। और बीरबल जी के कहने पर हमने वो दवाई पहले से ही आप सबके प्रसाद में मिला दी थी। ओहो हो हो, बीरबल अगर आपको ये सारी चीजें पहले से पता थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? वो इसलिए जाप बना क्योंकि पहले हमें इन पर सिर्फ शक, और शक के बिना पर हम इन्हें बंदी नहीं बनाना चाहते। लेकिन अभी अभी हमारे गुप्तचर ने हमें बताया कि यही संग्राम सिंह की बहन और यही विषकन्या। सिपाहियों ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो, लेकिन बच के रहिएगा, काट लेंगी। सच? अरे खुश मत होइए, काट लेंगी तो मर जाएंगे, विषकन्या है ये, ले जाओ। चलो अपना खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जान बच गई, वरना विषकन्या के जहर से बचना नामुमकिन। नहीं बीरबल, विषकन्या के जहर से बचना भी मुमकिन है अगर किसी के पास बीरबल जैसा अजगर हो। आप यहां आइए बैठिए जरा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हर मुश्किल का हल अकबर अजगर। Ha 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 ha!